के आना पड़ेगा। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बिजनेस की टेक्निक। अभी आप लोगों ने जो वीडियो प्रीव्यू में देखा है, सेम टू सेम प्रीव्यू के जैसा ही एक कमिंग सून महाशिवरात्रि स्टेटस वीडियो एडिटिंग का ट्यूटोरियल लेकर आ चुका हूं। ये छोटा सा वीडियो देखने के बाद आप लोग भी महादेव की फोटो पर कुछ इस तरह का महाशिवरात्रि पर स्टेटस वीडियो एडिट करना सीख जाओगे। चलिए अपनी वीडियो को यहां से स्टार्ट करते हैं। एंड हां गाइस, इस वीडियो को बनाने के लिए मैं जितने भी मटेरियल यूज करूंगा सभी का डाउनलोड फाइल अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दिया हूं ऑलरेडी। चलिए अपनी वीडियो को यहां से स्टार्ट करते हैं। यार चैनल पर नया हो तो कर दो वीडियो को एक लाइक करके चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मोबाइल की स्क्रीन पर आने के बाद सबसे पहले आप लोगों को अपना BN एप्लीकेशन डाउनलोड करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। इसके बाद न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपकी गैलरी यहाँ से ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप लोगों को एक लिरिक्स वीडियो ऐड कर लेना है। ये 6 सेकंड का वीडियो है, इसको पहले डाउनलोड कर लीजिए मेरे टेलीग्राम चैनल से। इसके बाद यहाँ से वीडियो के ऑप्शन पर आकर लिरिक्स वीडियो को सिलेक्ट करिए। इसके बाद यहाँ पर आप लोग फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करिए। एंड यहाँ से आपकी गैलरी में जितने भी फोटो होंगे वो सब आपको शो होने लगेंगे। यहाँ से आप लोगों को फोटो डाउनलोड किए होंगे तो आप लोग महादेव की फोटो यहाँ से 4 फोटो ऐड कर लेना। अगर ये फोटो आप लेना चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल से आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो भाई 4 फोटो एक वीडियो ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये आपका VN ऐप के अंदर आ जाएगा। आने के बाद अब आपको लास्ट में आना है। यहाँ पर एक वाटरमार्क दिखेगा VN ऐप का। इस वाटरमार्क का हमें कोई काम नहीं रहता है तो यहाँ से क्लिक करना एंड इसको यहाँ से डिलीट कर देना। अब डिलीट करने के बाद ऊपर साइड में ओरिजिनल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना एंड साइज को आप लोग 9x16 कर लेना। देन एक बार स्क्रीन पर टाइप कर देना। अब भाई देखो, यहाँ पर आप लोग ना वीडियो के फर्स्ट में आ जाना एंड यहाँ पर आप लोग सबसे पहले सॉन्ग को ऐड कर लेना। तो सॉन्ग आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर सॉन्ग ऐड कर लीजिए। तो टैप टू ऐड म्यूजिक वाले ऑप्शन पर ऊपर साइड में क्लिक करिए। इसके बाद म्यूजिक के ऑप्शन पर दोबारा से जाइए। यहाँ से आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। माई म्यूजिक के ऑप्शन पर जाइए एंड जहाँ कहीं भी आपका डाउनलोड सॉन्ग रखा हो आप लोग अपना सॉन्ग यहाँ से यूज कर लीजिए। देन नीचे साइड में राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। ये आपका VN ऐप के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर बीट का एक ऑप्शन दिखेगा, ये देख रहे हो ये वाला, तो इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है एंड अपने सॉन्ग में बीट मार्क ऐड कर लेना है। बीट मार्क ऐड करना बहुत ही ज़्यादा आसान है अपनी वीडियो को प्ले करना। एंड यहाँ पर ऊपर साइड में आप लोगों को नंबर दिख रहा होगा, यहाँ पर नंबर को फॉलो करके आप लोग कुछ इस तरीके से, पहला जो बीट मार्क है हमारा 8:75 पे है तो यहाँ पर मैं 8:75 पर टाइमलाइन को लेके आऊँगा एंड रेड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। ये मेरा पहला बीट मार्क ऐड हो गया। इसमें टोटल आपको 3 बीट मार्क ऐड करना है। अब आपको वीडियो को प्ले करना है एंड कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को टाइमलाइन को बढ़ाना है। कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को सेकेंड वाला बीट मार्क 11:24 सेकंड पर ऐड कर लेना है। ये रेड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना, ये आपका दूसरा बीट मार्क ऐड हो जाएगा। अब आपको तीसरा बीट मार्क ऐड करना है तो यहाँ पर आप लोग अपनी वीडियो को प्ले करिएगा एंड कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप लोग 13:30 सेकंड पर आप लोगों को वीडियो को लेकर आना है। एंड यहाँ पर आप लोग बहुत अच्छे तरीके से बीट मार्क ऐड कर सकते हो। यहाँ से देख सकते हो 13:30 सेकंड पर मैं ले गया एंड यहाँ से बीट मार्क रेड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया, बीट मार्क मेरा ऐड हो गया। तो इसी तरह आप लोग को बीट मार्क ऐड करके यहाँ पर राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। देन यहाँ से आपका सॉन्ग बहुत अच्छे तरीके से यहाँ से लग जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जहाँ पे भी आपने बीट मार्क ऐड किया है फर्स्ट वाले बीट मार्क को टाइमलाइन को लेके आना एंड अपनी फोटो को पकड़ना एंड कुछ इस तरीके से आप लोग फोटो को क्रॉप कर लेना बीट मार्क के बराबर। एंड दूसरा यहाँ से प्ले करना अपनी वीडियो को, यहाँ पर दूसरे बीट मार्क के बराबर लेके आना टाइमलाइन को एंड फोटो पर क्लिक करना एंड कुछ इस तरीके से आप लोग को फोटो क्रॉप कर लेना है अपने फिंगर से। इसी तरह लास्ट वाले बीट मार्क पर लेके आना टाइमलाइन को एंड अपने फिंगर से कुछ इस तरीके से आप लोगों को फोटो को क्रॉप कर लेना है। एंड यहाँ से लास्ट में आना एंड यहाँ से कुछ इस तरीके से फोटो को क्रॉप कर देना सॉन्ग के बराबर। यहाँ पर आप लोगों को कुछ इफेक्ट एंड एनिमेशन ऐड करना है तो उसके लिए आप लोग यहाँ पर फोटो के पास आ जाइएगा, फर्स्ट वाले फोटो के पास। अब यहाँ पर आप लोगों को इफेक्ट ऐड करना है तो फोटो पर क्लिक करना एंड नीचे साइड में स्क्रॉल कर देना। यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा इफेक्ट्स का, इस पर आप लोग क्लिक करना एंड यहाँ से आप लोगों को सामने बहुत सारा इफेक्ट आएगा। थोड़ा सा स्क्रॉल करना, यहाँ पर आप लोग और थोड़ा सा स्क्रॉल करना एंड यहाँ पर आप लोगों को ड्रॉप 04 आएगा, इसको आप लोगों को सेलेक्ट कर देना कुछ इस तरीके से। सेलेक्ट करने के बाद इसको पकड़ के खींच के पूरे फुल फोटो में कर देना एंड राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अब आपको दूसरे वाले फोटो पे आना है एंड कुछ इस तरीके से फोटो पर क्लिक करके इफेक्ट वाले ऑप्शन पर दोबारा से क्लिक करना है इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पर। एंड नीचे साइड में यहाँ पर बहुत सारा टूल दिखेगा, आप जो इच्छा रहे वो यहाँ से इफेक्ट आप ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको दिखाने के लिए यहाँ पर मैं जिटर डाउन वाले इफेक्ट को यहाँ पर ऐड कर देता हूँ एंड ऐड करने के बाद इसको खींच के फुल कर देता हूँ एंड राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। इसी तरह आपका जो मर्जी करे वो इफेक्ट आप लोग लगा देना। इसी तरह आप लोग तीसरे वाली फोटो पर लेके आना एंड इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना एंड यहाँ पर आप लोगों को सामने बहुत सारा इफेक्ट शो
शो होगा और थोड़ा सा स्क्रॉल करना एंड यहाँ पर आप लोगों को एक इफेक्ट दिखेगा एक्सपेंड वाला, तो इसको आप लोगों को यहाँ से सेलेक्ट करना है एंड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप लोग फुल करके राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अब आपका लास्ट का फोटो बचेगा, इसमें भी एक इफेक्ट ऐड कर देना, तो यहाँ पर फोटो पर क्लिक करना एंड इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। यहाँ पर आप लोगों के सामने बहुत सारा इफेक्ट्स आएगा, जिसको चाहो वो इफेक्ट आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको दिखाने के लिए ये वाला जिटर अप वाला इफेक्ट इसमें मैं ऐड कर दे रहा हूँ, आप लोग भी यहाँ से ऐड करना यानी यहाँ से राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अब आप देख सकते हो आप चार फोटो में आपका ये इफेक्ट्स बहुत अच्छे तरीके से ऐड हो गया है। अब आप लोगों को इसी तरह ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद यहाँ से देख सकते हो फोटो के बीच में आप लोगों को छोटा सा प्लस का आइकन शो हो रहा होगा, तो किसी एक प्लस के आइकन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है एंड यार क्लिक करने के बाद बहुत सारा एनिमेशन इफेक्ट आएगा आपके सामने। थोड़ा सा स्क्रॉल करना, यहाँ पर एक इफेक्ट आएगा लाइट वाला, तो इसको आप लोगों को यहाँ से सेलेक्ट करना है एंड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप लोग अप्लाई टू ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। ये आपका हर एक छोटे से प्लस के आइकन पर ये इफेक्ट ऐड हो जाएगा, तो इतना आपको कर लेना है। अब गाइस इतना हो जाने के बाद वीडियो के फर्स्ट में आना, फर्स्ट में आने के बाद यहाँ पर आप लोगों को एक वाइट बॉर्डर PNG को ऐड कर देना है। इसका डाउनलोड फाइल अपने टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद उसको ऐड करना है, तो यहाँ पर आप लोग प्लस वाले आइकन पर क्लिक करिए, वीडियो फोटोज वाले ऑप्शन पर क्लिक करिए एंड फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से वाइट बॉर्डर PNG को आप लोगों को ऐड कर लेना है। जैसे कि यहाँ से मैं ऐड कर लेता हूँ, ऐड करने के बाद नीचे साइड में थोड़ा सा स्क्रॉल कर देना, एक ऑप्शन दिखेगा फिल का, इस पर क्लिक करके इसको यहाँ से फुल स्क्रीन में कर देना। अब आपको वीडियो को थोड़ा सा प्ले करना है एंड देखना है आपका जो वाइट बॉर्डर का लेंथ था ये फुल वीडियो में नहीं लगा हुआ, तो यहाँ पे क्लिक करके वीडियो एंड कर देना, ये आपको फुल वीडियो में लग जाएगा। तो गाइज यहाँ से देख सकते हो हमारी कंप्लीट वीडियो बन के रेडी हो गई है, जिस तरह का वीडियो हमने प्रीव्यू में देखा था। तो एक बार मैं यहाँ से वीडियो को प्ले करके आप लोगों को और दिखा देता हूँ। तो गाइस देख सकते हो कंप्लीट हमारी वीडियो बन के रेडी हो गई है कमिंग सून महाशिवरात्रि। अब इस वीडियो को अपनी गैलरी में सेव करना है, तो यहाँ पर ऊपर साइड में एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना एंड इसके बाद एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस वाली वीडियो को अपनी गैलरी में सेव कर लेना, वहाँ से किसी भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन पर इसको अपलोड कर देना। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। टेक केयर एंड बाय।